ये रहा इब्राहिम का गिफ्ट जो अबू बकर लेकर आए हैं। ये स्टिक मैंने बनाई थी, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। ईद मुबारक, ईद मुबारक। अरे अरे रहने देते, मना करने के बजाय बोला थैंक यू। चुका है अमरीन आई है, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज है ईद का तीसरा दिन और तीसरे दिन की मसरूफियात कुछ ऐसे है ना कि इब्राहिम की सालगिरह रखी हुई है, तो बच्चों को इब्राहिम ने इनवाइट किया हुआ था कि आप लोगों ने मेरी सालगिरह पर आना है। और सुबह से मैं मसरूफ थी, खाना वगैरह बना रही थी, जो जो चीज़ें बच्चों को पसंद है मैं उनकी पसंद के हिसाब से चीज़ें बना रही थी। अभी जाके मैं फारिग हुई तो मैं रेडी शेडी हुई और मैंने कहा चलें जी व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और एक प्रॉब्लम ये भी है कि मेरा फ़ोन हो चुका है ख़राब, तो ये फ़ोन दूसरे थोड़ा सा रिजल्ट का हो सकता है मसला हो या ना भी हो, तो यहाँ पर और भी बच्चे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, हाय, कैसे हो? ठीक। और क्या हो रहा था? शर्म आ रही है राफे को, शर्म आ रही है ना? और ये बच्चे कमरे में आ चुके हैं और जो ये है ना, ये सबसे ज्यादा इस बच्चे के साथ, क्या नाम है आपका बेटा? जैद। हाँ, जैद के साथ जो है ना बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। गर्मी बहुत ज्यादा है, बहुत बहुत ज्यादा गर्मी है। किचन में मैं सुबह से लगी हुई थी, पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है। अभी बच्चों को मिल्कशेक बना कर दिया और ये किचन मेरा सामान वगैरह चीजें वीजें रखी हुई है, ये सारे काम हो रहे थे। और बस अभी हस्बैंड गए हैं बाइक लेने, वो जैसे ही आते हैं तो हम जा रहे हैं केक खरीदने, केक के साथ हमने पिज्जा भी ऑर्डर करना है, तो बस जैसे वो बाइक ले आते हैं तो हम लोग जा रहे हैं। मुस्तफा को साथ लेके जा रही हूँ क्योंकि मुस्तफा वहाँ अंदर रूम में शरारत बहुत कर रहा है। जी तो यहाँ आ चुके हैं पिज्जे का ऑर्डर देने, ये देने लगे पिज्जे का ऑर्डर। एक ऑर्डर दे दिया, अब जा रहे हैं हम केक लेने। हम आ चुके हैं बेकरी पे और यहाँ से हम केक खरीदेंगे और चलते हैं बस अब अंदर। मोबाइल का रिजल्ट अच्छा नहीं है तो मुझे व्लॉग बनाते हुए थोड़ा सा ना मजा नहीं आ रहा, अजीब सा लग रहा है कि कैमरा सेट नहीं है। बेकरी के पास ही एक पार्क है जहाँ मैं आई हूँ, मैंने कहा एक दो पिक्चर क्लिक करते हैं। और ये देखो ये यहाँ झूला खाने लग गए हैं। यार जल्दी करें, बच्चे वेट कर रहे होंगे। और सारे बच्चों को हमने वहाँ बिठाया हुआ था कि हम केक लेकर आते हैं और केक खरीदते ही हमारे पास में ही ये पार्क है, तो मैंने कहा यहाँ रुक जाते हैं, यहाँ पर जो है वो पिक्चर्स वगैरह ले लेते हैं। खैर अभी हमने केक नहीं लिया क्योंकि जो केक हमें चाहिए था वो यहाँ पर नहीं था। अब हम जा रहे हैं दूसरी बेकरी पर, वहाँ से केक देखते हैं कि हमें कौन सा समझ में आता है, क्योंकि बच्चे जो खाते हैं ना वो न्यूट्रेला केक खाते हैं और फिलहाल यहाँ पर न्यूट्रेला केक नहीं था। जी तो इस बेकरी पे आ चुकी है और यहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं है, ये लोग कहते हैं कैमरा बंद कर दें, तो मैं कैमरा ऑफ कर देती हूँ। न्यूट्रेला नहीं है। अबू लोग का इसके ऊपर ही रख दें, रुको। पिज्जे आ चुके हैं और ये वॉलेट उधर रखूँ, केक जो है वो भी ले आई हूँ, इसे फ्रिज में मैं रखती हूँ। और अभी अभी अबू बकर भी पहुंचे और गिफ्ट लेकर आए हैं। ये रहा इब्राहिम का गिफ्ट जो अबू बकर लेकर आए हैं। ये स्टिक मैंने बनाई थी, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। अभी इसे मैं फ्राई करने लगी हूँ, उबाल कर मैंने इस पर मसाला लगाया, अंडा और मैदा, काली मिर्च, और इसको साथ साथ मैं फ्राई करने लगी हूँ ऑयल में, तवे पर डाल के ऑयल में फ्राई कर रही हूँ। यहाँ पर बच्चे वेट कर रहे हैं और अभी तक मेरी अम्मी नहीं आई, और यहाँ पर हम लोग रिफ्रेशमेंट वगैरह जो तैयारी वगैरह सालगिरह की वो रख रहे थे, बस यहाँ पिज्जा विज़ा की कटिंग हो रही है। साथ में यहाँ पर उस्मान आ चुके हैं। हेलो उस्मान, आपको पता है मेरा मोबाइल ख़राब हो चुका है और मैं इस मोबाइल से बना रही व्लॉग और इसमें थोड़ा सा ना पिक्चर क्वालिटी कम हो रही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है, ऐसी बातें होती रहती हैं। पाकिस्तान में ऐसी बातें होती रहती हैं, कराची में होती रहती है, पूरी दुनिया में होती रहती हैं। और ये देखिए आज मसरूफ है कामों में, कोई अता पता ही नहीं है। जी क्या हाल चाल है? ये मक्खी पिज्जे के पास घूम रही है कि जल्दी से पिज्जा खाएं और जबकि मेहमान आ जाएं, गेस्ट आ जाएं, फिर खाएंगे, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह माशाल्लाह, आज हो गई हमारी। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, ईद मुबारक, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक भाई। हेलो, कैसे हो? कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? बच्चों को देख रही है, किदी 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 किदी, वो परेशान हो गई, सारे बच्चे एकदम वो देख रही, इतने सारे लोगों में आ गई। चलो आ जाओ आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है भाई? ईद मुबारक, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ईद मुबारक, ईद मुबारक। ठीक ठाक, आप सुनाओ? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आज गर्मी गर्मी गर्मी, रज के गर्मी, अभी एसी बन के इन बच्चों ने, वरना रज के गर्मी। चलो चलो, सारे इंतजार कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बच्चे बड़े सब तकरीबन आ चुके हैं, बस अभी की थोड़ी देर में केक कटने वाले। यार केक लेकर आते हैं, ले आइएगा। हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर इब्राहिम।
नहीं नहीं बस बस वो दोनों खेलेंगे बस 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 चलो बस बदमाशी नहीं जाना भी है कहीं यार वो नीचे गिर गया चलो टिश्यू ले आओ ये तो बर्थडे वगैरह हो चुकी है और यहाँ पर खाया जा रहा है हाँ जी बताएं कोई चीज चाहिए चम्मच चाहिए और आप सुनो आपको कुछ चाहिए आपने तो कुछ खाया ही नहीं है मेरे को तो देख देख के मजा आया बड़ा और बहुत ही मजे की चीजें थी असल में और मीठा भी बहुत मजे का मीठा मजे का लगा है सबको बहुत मजे की हाँ जी इनको भी मीठा पसंद आया इनको भी मीठा पसंद आया इनको भी हाँ जी बोले असल में मेरी एक जगह पे दावत है अच्छा इसीलिए हाथ हल्का रखा हुआ है हाथ हल्का रखा हुआ है वहाँ पे जाऊंगा दावत और हाथ फिर हल्का ही रखना चाहिए क्योंकि फिर दावत भी तो खानी होती है दावत फोड़नी होती है एक दिन में मैंने ये तीसरी दावत खा चुका हूँ कभी कभी ऐसा होता है कि छह छह महीने दावतें नहीं आती कभी कभी दिन में तीन तीन आ जाती है अभी बारबेक्यू का भी एक प्रोग्राम है बारबेक्यू का प्रोग्राम रखना हुआ ना तो गली में रखना बहुत मजा आएगा मैंने देखा ना मुझे इतना अच्छा लगा मैंने कहा गली में रखा हुआ है बहुत मजा आएगा वैसे आप लोगों की तो छत है अल्लाह का शुक्र है छत है ऊपर तरपाल भी लगा हुआ बारिश हो रही हो हल्की हल्की और सीट बॉडी बन रही है हाँ मेरा खुद का बहुत दिल कर रहा था कि बारबेक्यू होना चाहिए हाँ जी बोलो कुछ चाहिए चलो मैं बाहर बच्चों को देखूँ कि बाहर बच्चे क्या कह रहे हैं हाँ जी किसी को कुछ चाहिए तो बताओ मजा आया एंजॉय किया और वो उस्मान कहाँ चला गया रहा फिर चला गया उसको इतनी शर्म आती है वो टिक ही नहीं रहा था बार बार शर्मा के बार बार भाग रहा था और ये देखो अहमद नॉटी बॉय इसने सबसे ज्यादा गन मचाया है हाँ जी ये साथ दे रहे हैं पूरा पूरा काम काज करने में और बच्चों को पूरा इन्होंने जो है ना माशाल्लाह माशाल्लाह ट्रीट किया है एक एक चीज पूछ रहे हैं किसको चम्मच चाहिए जी तो बच्चों ने खा पी लिया कह रहे हैं हमने गिफ्ट देने थे ये अबू बकर गिफ्ट लेकर आए इब्राहिम के लिए ओ जाहिद कहती है इसको जैद है और ये देखें इनके दोस्त इनके लिए गिफ्ट लाए हैं थैंक यू वाओ अरे रहने देते पैसे जरूर जुड़ जाए उसकी चीजें तो नहीं छोड़ो अरे अरे रहने देते मना करने के बजाय बोला थैंक यू वापस अब ये लोग काम काज करते हुए सारे बर्तन वगैरह समेट रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रही है फोन भी चेंज हुआ है और मैं यहाँ से बर्तन बुर्तन उठा लूँ आमीन आमीन तंदुरुस्ती अता फरमाए आमीन 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 बस आप लोगों की दुआओं की जरूरत है मैं ज्यादा ज्यादा याद रखें तो बर्थडे पार्टी हो चुकी है और बच्चे दिल्ली में जा चुके हैं हाँ जी राफे आए आ रही हूँ और अम्मी लोग अभी जा रहे हैं बस मैंने अल्लाह हाफिज़ करी थी सी ऑफ कर ली अभी जो है ये बस जा ही रहे थे ओके अल्लाह हाफिज़ अब बस अम्मी भी जा रही थी इनको मैं सी ऑफ करने आई थी हाँ जी क्या हाल चाल है खूब मौज मस्ती की है इंजॉय किया है और इब्राहिम मजा आया आपको आपकी बर्थडे पे आपको पता है गिफ्ट मिले हुए अंदर नाना अबू ने भी दिए मामी ने भी दिए चलो अंदर मामी को पूछो और लो खेल खेल के पसीनों पसीन हुए हैं सब जा चुके हैं मैंने बेबी किचन के बर्तन धो दिए हैं और इन्हें मैंने सूखने रख दिए हैं बच्चे गंदे मंदे होके कपड़े वपड़े गंदे कर दिए तो इसने केक खाया और पूरा खराब कर दिया शॉर्ट पे आपने गिराए हैं कपड़ों पे नहीं इन्होंने नहीं गिराए इन्होंने गिराए हैं तमीज से खाते हैं खाना चीज़ें ये देखो मेरे हाथों पे भी ऐसा लगा केक लगा हुआ है और आज आप लोगों ने बहुत मस्ती की है वॉश राट की वॉशरूम गया मुँह धो के अभी खैरियत बर्तन धुल चुके हैं और साथ साथ बस किचन का काम हो रहा था और आज व्लॉग मैं बार बार एक ही बात कर रही हूँ मोबाइल ठीक नहीं है जिसकी वजह से व्लॉग की पिक्चर क्वालिटी थोड़ी सी कम होगी तो बस ये है कि व्लॉग मैं बना रही हूँ ताकि आप लोगों को पसंद आते हैं आप लोगों को पसंद आते हैं तो आप लोगों के लिए मैं व्लॉग बना रही हूँ आ चुका है अमरीन आई है अस्सलाम वालेकुम क्या हाल चाल है यहाँ पे मलाइका भी है क्या हाल चाल है सुनाओ कैसी गुजरी आज की ईद मेरी तो इतनी मसरूफ थी अब जाके थोड़ी देर आंख लगी नहीं लगी थी कि आप लोग आ गए और मैं पहले काफ़ी देर से इंतजार कर रही थी फिर ये कि आप लोग आ गए और मैं उठ गई और यहाँ पर यासर भाई भी आए हुए वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम हाँ जी और सुनाओ मेहमान बहुत आ जा रहे हैं मेहमान आ जाए क्या है अच्छा इंजलीन है मेहमान आ जा रहे हैं बहुत हाँ खुद निकले थे भी घर मेरे लिए भी दुआ करो मेरा मोबाइल ठीक हो जाए मेरा कैमरा नहीं ठीक हो रहा तीन दिन दुकानें बंद है और मोबाइल तीन दिन में आज भी सामान पता करने गया बंद था आ जाए आप अंदर आ जाए या फिर भी आ जाए खाने का टाइम हो चुका है और मैंने खाना निकाल लिया है अंदर रूम में एसी चलाया हुआ है और एसी के साथ खाना खाएंगे और मेहमान भी अंदर ही हैं तो जी क्या था वो इधर
जी तो बस अभी सारे खाना ही खा रहे थे, यहाँ पे खाना खाने लगे हुए हैं और मेरी थोड़ी सी तबीयत सड़ती थी, मैं खाने पे हाथ हल्का रखा हुआ है क्योंकि आदत नहीं है ना एकदम इतना ज़्यादा खाना खाने की। ईद जब से आई है ज़्यादा ज़्यादा खा रही हूँ तो थोड़ा डिस्टर्ब सी हो गई हूँ। बहुत मज़े के चलो सालन खा के उसका भी रिव्यू देना फिर मुझे, ये मैंने बहुत मज़ेदार स्पेशल बनाया है। गोश्त देख देख के ना तंग आ गए, तो ये अच्छा लग रहा है स्पेशल, थोड़ा डिफरेंट है। और ये ना बच्चे बहुत शौक से खाते हैं तो मैंने कहा इसके दोस्त आ रहे हैं सब लोग तो स्पेगेटी बनाए थे। तो बस काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था, बातें करते हुए पता नहीं चला इन लोगों को भी आ रही है अब नींद और कह रहे घर जा रहे हैं और हम भी सोने लगे थे तो कह रहे हैं अल्लाह हाफिज़। गर्मी एसी में बैठे हुए थे, याद ही नहीं, मैंने कहा व्लॉग ही नहीं बनाया तो व्लॉग बनाते हैं और इनको भी गर्मी लगी। हाँ जी, गर्मियों में जो बनता है ये गर्मियों का जूड़ा है, जो गर्मियों में बंदा बाल बचाता है ना गर्मी ना लगे गर्दन वगैरह पे। मेरा भी वही हाल है, मैंने भी कस के बाल ऊपर करके बांधे हैं तो बस जी। अच्छा आपका एंटीना ज़्यादा ऊपर है, मेरा थोड़ा छोटा सा एंटीना, मेरा थोड़ा नीचे को ही है, पर है कि क्या करें गर्मी और कराची में कुछ ज़्यादा ही गर्मी है कि अब इसके बगैर गुजारा ही नहीं है। कल भी मैं सबसे पूछ रही थी कैचर है किसी के पास, बाल खोले हुए कैचर है किसी के पास, पर मैं कैचर लेके जाना भूल गई थी। खैर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आप लोग आए मिले के लिए, ईद मनाई और हमने भी मनाई आपने भी मनाई, खाना खाने का बहुत मजा आया। हाँ जी एसी का भी थैंक यू करें, बर्थडे हाँ ये बर्थडे बॉय है, खाना खाने के फिर ज्यादा मजा है एसी का। एसी का ओके, रास्ते में भी एसी लग जाए ना। कल ये तो कराची में बारिश कब हो रही है? नहीं नहीं 10 साल का हुआ है। नहीं यार वैसे ये लगता 20 के पर है 10 का, पर डागो नहीं होता उम्र कट लग गई है ना, तो ये नहीं हुआ अगले साल हो तो 11 का होने है, 11 का होना है। ये 10 का कैसे होगा, ये 11 का 12 का होना। हाँ मुझे नहीं पता तुम्हारा क्या कब होगा पर मेरा 10 का ही हुआ अभी, सितंबर में बाया कौन है। हाँ तो मतलब जब वो 2 साल का पूरा था ना तो तब ये पैदा हुआ था, याद आया वो 2 साल का पूरा था, 1 साल का ये मेरी शादी पे था अरे गोद में मेरी शादी पे ही तो, हाँ मेरी शादी पे तो बर्थडे पे वो शादी पे बर्थडे का केक काटा था इसका, याद है पहले की थी तो अपने केक काटा मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है ना, सारा याद है ना मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। हाँ नहीं सबसे पहले मेरे ना फेसबुक पे जो डीपी लगी थी ना वो इसकी थी क्योंकि अहमद इब्राहिम तो थे नहीं तो मैंने इसकी लगाई थी और मेरी ही शादी की पिक्चर थी। हाँ वो मेरी इसी की लगी हुई है। खैर ये पीछे का गंद बला जो इग्नोर करिएगा। ओके बाय, सफाई इंशाल्लाह कल सिद्रा से करवाएंगे। ओके अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ओके अल्लाह हाफिज़, आप भी जा रहे हैं? ओके अल्लाह हाफिज़। तो बस यहीं से मैं व्लॉग को एंड कर रही हूँ, आप लोगों ने करना क्या लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन तो मस्ट है। और माजरत आप लोगों से कि व्लॉग थोड़ा सा लेट भी हुए हैं और उसके अलावा कैमरे की क्वालिटी में थोड़ा सा भी अगर फ़र्क हुआ, वॉइस में थोड़ा सा फ़र्क हुआ तो एडजस्ट कर लीजिएगा क्योंकि व्लॉग आप लोगों के लिए बने हैं। बस ये कि मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। क्या देखा जा रहा है जी? चीज़ें ये कहाँ से आई, वाह इतनी प्यारी लग रही है ना, और ये सारी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है टेप के साथ। हाँ ये देखो नीचे भी, इधर भी चीज़ें चीजियाँ सबके बहुत प्यारे गिफ्ट है सबके लिए, बोलो थैंक यू एवरीवन।